हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बनाने जा रहे हैं हम झटपट सा पनीर भुर्जी। खाना मेरा पूरा बन चुका है, रेडी है, और अचानक से याद आया यार कुछ एक्स्ट्रा बना दो। तो पनीर थोड़ा सा बचा था, उसमें भुर्जी बना रही हूँ मैं उसकी। तो रख ली हमने कढ़ाई और उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे ये। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल थोड़ा जलने की खुशबू आ जाएगी तो उसमें डाल देंगे हींग और जीरा। हींग और जीरा मैं अक्सर डालती हूँ, यही ज़्यादातर डालती हूँ। और ये है लहसुन और अदरक। ये मैंने चॉप किया एक प्याज, एक मीडियम प्याज और एक मीडियम टमाटर। इसी में मैंने ऐड कर दिया है हरी मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी और नमक। और ये है पनीर। पनीर को मैंने मैश कर दिया है और इसमें मैंने धनिया डाल दिया है ताकि मुझे धनिया बाद में ना डालना पड़े गार्निश, एक ही बात है वो। तो ये स्मेल आने लगी है इसमें। इसमें डाल देंगे हम मसाला। ये मैंने डाला है लहसुन और अदरक। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था और लहसुन मैंने बारीक काट लिया है, चॉप करके डाला है। तो ये हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को फ्राई करते हैं, थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज काफ़ी हद तक हो चुका है। अब ये टमाटर के साथ भी पकेगा। तो टमाटर डाल देते हैं और उसी के साथ मैंने सारे मसाले रख दिए हैं और हरा मिर्च भी डाल दिए। इसको हरी मिर्च मैंने चॉप कर लिए बारीक बारीक। तो इसे थोड़ा सौते करेंगे अच्छे से ताकि कच्चापन चले जाए। और मसाले डाल दिए तो फिर सूखी सब्जी बनानी है ना, तो इसमें हम पानी तो डाल नहीं सकते। तो फिर ऐसे मसाले पकाएंगे, गैस को कर देंगे सिम आंच में। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। झटपट से जब कुछ बनाना हो ना तो इस तरीके से मैं छोटा थोड़ा थोड़ा करके बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ काफ़ी कुछ, ताकि ऐसे ना रहा मतलब कुछ ये नहीं खाया वो नहीं खाया ना हो। और इसके साथ हम खाने वाले हैं दही। दही भी मैंने जमाई है और ये मेरा तैयार है फिल्टर कॉफ़ी। फिल्टर कॉफ़ी मैं रोज़ बनाती हूँ। अब ये आँच पे रखनी है मुझे। चावल भी बन चुका है, दाल भी बन चुकी है, बस सब्जी बननी बाकी है। और गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए अपने सब्सक्रिप्शन और अपने कमेंट्स के थ्रू। और आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करती हूँ। तो देखिए किस तरीके से इसने पानी छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया है। थोड़ी देर और इसको भूनेंगे हम। और अब फाइनली मैंने इसमें डाल दिया पनीर और गैस कर दिए तेज, क्योंकि इसमें ना थोड़ा फ्रिज से निकाला तो फिर वो तब सूखा था और इसमें पानी पानी सा हो गया इसमें डालने के बाद। तो इसको इस तरीके से घोटेंगे और मिक्स करेंगे और देखिए कितना यम लग रहा है ये। तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ और अपना प्यार मुझे देते रहें, मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए कितना लबाबदार बन रहा है यार, कितना यमी सा लग रहा है। और इस तरीके से ना इसने पानी छोड़ दिया है, अपना पानी जा चुका है और ऑयली ऑयली टाइप हो गया है ये। मस्टर्ड ऑयल का यही मुझे फ़ायदा लगता है कि मस्टर्ड ऑयल में खाना ना अलग टेस्ट आ जाता है। तो देखिए ये कितना यमी सा लग रहा है और झटपट रेसिपी है, कोई लेट भी नहीं लगता है इसमें। एक सब्जी बन गई है दाल चावल के साथ। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, मैं आगे को बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ झटपट रेसिपीज। आई होप कि आपको वो पसंद आएंगी। थैंक यू।